तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको TVS कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट देखना है या फिर उसे आपको परचेज करना है तो आप आ सकते हैं कुंती TVS जो कि लोकेटेड है हमारे एरिया में यानी कि ससराम बिहार में। तो यहाँ पर आपको TVS कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं TVS कंपनी का जो एड्रेस है और उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पर अभी आपको करण सर का नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा तो यहाँ आप डायरेक्टली करण सर से बात कर सकते हैं और किसी बाइक को परचेज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हाल ही में लॉन्च हुई TVS Raider 125 BS6 मॉडल के कुछ एडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि इस बाइक के कुछ अच्छाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको काफ़ी सारे अच्छाइयाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग मोटे मोटे तौर पर बात करेंगे इस बाइक के कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो TVS Raider 125 BS6 मॉडल के पहले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो है इस बाइक का लुक्स। तो इस बाइक का लुक्स TVS कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और फ्यूचरिस्टिक रखा है, जिसकी वजह से अगर आप इस बाइक को रोड के ऊपर लेके चलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस देखने को मिलता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बाइक को मतलब राइड करते हैं तो आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि आप एक 125cc सेगमेंट में आने वाली बाइक को राइड कर रहे हैं, बल्कि ऐसा आपको फील होगा जैसे कि आप कोई बड़ी बाइक को चला रहे हैं, जो है इस बाइक का पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है जो कि मेरे हिसाब से इंडिया में बिकने वाले सारे बाइक्स में होना चाहिए, वो है इस बाइक में आने वाला साइड स्टैंड कट ऑफ फंक्शन। तो इस बाइक में आपको यह फीचर देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत अगर आपके बाइक का साइड स्टैंड मतलब कि इंगेज है तब आपका बाइक स्टार्ट नहीं हुआ, जैसा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल में देकर दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आप ये इस बाइक को ऑन किया तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि यह जो बाइक है अभी न्यूट्रल में है। तो जैसे ही मैं इस बाइक को ऑन करूँगा तो यह ईजिली स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह बाइक स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही मैं अगर आप इस बाइक के मतलब गियर को इंगेज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह जो बाइक है ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस बाइक को गियर में इंगेज कर दिया जिसके चलते यह जो बाइक है ऑफ हो गया है। तो सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो यह जो फीचर है आपके बहुत काम आने वाला है, और रोड एक्सीडेंट्स में यह जो फीचर है आपको मतलब एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा बचाने वाला है, जो है इस बाइक का दूसरा एडवांटेज। तीसरे एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो है इस बाइक का हीट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस बाइक में आपको कूलिंग के लिए एयर एंड लिक्विड कूलिंग सिस्टम का यूज किया गया है, जो कि नॉर्मली इस सेगमेंट में और दूसरी बाइक जो भी आती हैं उनमें आपको केवल एयर कूलिंग सिस्टम का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो एयर एंड लिक्विड कूलिंग सिस्टम होने की वजह से इस बाइक का जो इंजन है वो जल्दी हीट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज देखने को मिल जाता है, जो कि है इस बाइक का तीसरा एडवांटेज। TVS Raider 125 का फोर्थ एडवांटेज है इस बाइक के फीचर्स। तो इस बाइक में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव एक शेप का LED DRL विथ हेडलैम्प देखने को मिलता है। उसके बाद इस बाइक का जो पीछे का टेल लैम्प है वो भी काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव है, इसका मतलब टेल लैम्प भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको एट्रैक्टिव देखने को मिलता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस बाइक का जो मीटर है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अभी मतलब फिर से मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आपको हेलमेट का रिमाइंडर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बाइक आपको रिमाइंड करती है कि आपको हेलमेट पहनना है। उसके बाद गियर पोजिशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, एवरेज, तो इतने सारे फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं कि इस बाइक का में आपको अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली और दूसरे बाइक्स में नहीं मिलता है। तो आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिलता है जिसके अंदर आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको इंटेलिगो टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिसके तहत मतलब जब आप ट्रैफिक पर खड़े हैं तो आपका बाइक का जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और जब ट्रैफिक चलने लगे तो जैसे ही आप इस थ्रॉटल को थोड़ा ब्लिप करते हैं तो आपका जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इतने सारे फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं, जो है इस बाइक का फोर्थ एडवांटेज। बात करते हैं पांचवा एडवांटेज के बारे में, जो है इस बाइक में यूज होने वाला राइडिंग मोड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो बाइक है एक छोटे सेगमेंट की बाइक है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको इसमें राइडिंग मोड्स ऑफर करती है, जो कि देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि TVS जो है अपने बड़े सेगमेंट की बाइक जैसे कि अपाची 204B में यूज़ करती है इसे, लेकिन फिर भी इसे मतलब कि आपको फील नहीं होने देगी कि जैसे कि आप कोई छोटी बाइक चला रहे हैं। तो इस बाइक में भी आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्विच दिया गया है जिससे जो अभी नीचे है तो अभी ये इको मोड पे लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसे ऊपर में करते हैं तो ये जो है पावर मोड पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका इंडिकेटर भी आपको स्पीडोमीटर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यह जो बाइक है इको मोड में लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसे पावर मोड पर करता हूँ तो यहाँ पर आप पावर मोड देख सकते हैं कि गाड़ी जो है पावर मोड पर लग गई है।
तो अगर आपको मतलब कि माइलेज चाहिए, आपको परफॉर्मेंस से कोई खास मतलब नहीं है, आप सिटी में चल रहे हैं तो आपको इको मोड पे आप इस बाइक को यूज कर सकते हैं। वैसे ही जैसे ही आप हाईवे के ऊपर जाते हैं तो तब आप इस बाइक को पावर मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा इस बाइक से, जो है इस बाइक का पाँचवा एडवांटेज। सिक्स फीचर है जो कि इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिलता है, वो है इस बाइक में यूज होने वाला मतलब कि डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज। तो इस बाइक में आप डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि यह जो बाइक है अभी मतलब कि लो मॉडल वाला है, इसके टॉप मॉडल में आपको वो फीचर देखने को मिलता है। तो इसके तहत आपको कोई भी जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है उससे आपको कैरी करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हैं, जो है इस बाइक का छठा एडवांटेज। अब इस बाइक के सेवेंथ और लास्ट एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो कि मुझे लगा है वो है इस बाइक का प्राइसिंग। तो इस बाइक का प्राइसिंग कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रखा है। तो इस यह जो बाइक है आपको ऑन रोड अप्रॉक्स 1,05,000 से लेकर 1,09,000 के बीच में देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने कम प्राइसिंग में, मतलब कि कम तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी डिसेंट प्राइसिंग के ऊपर कंपनी आपको इतने सारे फीचर्स, गुड कम्फर्ट लेवल, काफ़ी बेहतरीन इंजन, इतने सारे मॉडर्न लुक के साथ यह बाइक आपको आती है। तो मुझे तो देखा जाए तो पैसा उतना ज़्यादा कोई खास नहीं लगता है इस बाइक के हिसाब से, जो है इस बाइक का सेवेंथ एडवांटेज। तो दोस्तों ये थे TVS Raider 125 BS6 मॉडल के एडवांटेज, यानी कि इस बाइक की कुछ अच्छाइयाँ। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक ऐसी बाइक लेनी है 125 CC सेगमेंट में जिसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलता हो, तो आप इस बाइक को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर से लाइक कर दें, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ।